तो इसको खोलने का तरीका मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इधर हमें 22 कैंडल गोटी लगानी है, जो कि हमने लगा रखी है, देख सकते हैं। और इस इधर की तरफ हमें कुछ नहीं सपोर्ट लगाना, और हमें इधर देख सकते हैं, हमने इसका पहले फैन का ऊपर कवर खोला है, उसके बाद फैन खोला है हमने, कूलिंग फैन होता है जो इंजन ठंडा करता है। और उसके बाद कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर कैची पूरा लगाना है मैगनेट कवर मैगनेट में, बस कैची पूरा लगाना है। और उधर से हम खोलते हैं और फटाफट मैं दिखाता हूँ आप, देख सकते हैं ये कितनी आसानी से खुल चुका है, ये नट हमने खोल दिया है। तो अगर आप एंटोर में अगर आप एंटोर की ये वाइब्रेटर खोलने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और देख सकते हैं हमने ये खोल दिया है, और मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कमी क्या है। तो बने रहिए वीडियो में। तो इसको फटाफट बाहर निकालते हैं, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें दिक्कत किस चीज़ की आ रही है। ये देख सकते हैं नट खोल लिया हमने 22 नंबर का। अब एक इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, एक इसमें एक वार्सल है और ये किक का रैचेट है, और इसमें ये फ़ैन लगा रहता है जिससे कि क्लच कूलिंग रहे। ये फ़ैन लगा हुआ है इसके अंदर भी, दो फैन होते हैं, उधर एक इधर, ठीक है। अब इसको खोलते हैं फटाफट, और ये हमने निकाल लिया है, बुश निकालेंगे सबसे पहले, और देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। इसको करते हैं ग्रीसिंग और फिर फिट करते हैं इसको फटाफट, बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं इसको ऐसी आवाज़ आती है इसमें, देखिए ये हिलाने पे। तो इसमें ग्रीस भरते हैं फटाफट और पैक करते हैं।